तो अभी ये लेप तैयार हो रहा है, लेप क्या बोलते हैं इसको, होम रेमेडी बताई थी हमको, वो अभी हमको बनाना है दही एंड बेसन के साथ में, फिर उसको अप्लाई करना अपने स्काल्प में। हेयर ग्रोथ अच्छा चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा मेरी जान। उधर मत ले, कान तक पूरा जीव लगता है, मेरे को जिससे घिन आता है भाई। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? यस, सभी उठ चुके करते सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद घर में गेस्ट आने वाला, धनबाद से कुछ फूफी लोग वो लोग आने वाली है घर पे, कुछ काम से आएगी तो फिर देखते हैं। एंड अभी करते हैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट। एंड कल रात को हमको सोने में बहुत ज़्यादा देर हो गया था, आप लोग पिछला वीडियो जो देखे होंगे, नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो चेक करो। कल हम रात को 1 बजे घर आए, उसके बाद एडिट वेडिट करके 4:30 बज गया सोते सोते। तो भाई साहब नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड टायर्ड बहुत ज़्यादा है हम। कल का दिन पूरा बिजी था भाई, पूरा बिजी शेड्यूल था, सुबह से लेकर रात तक बिजी थे, सोए भी नहीं शांति से, 4-5 बजे सोए एंड सुबह उठ गए भाई। सो करते अपना ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ब्रेकफास्ट मिल जो जैसा कि देख सकते हैं, रोटी सब्जी एंड चाय, मेरा कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी दिखाओ। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अंकल आके काम कर रहे हैं, वो फुट्टी घिसाए वाला काम। वेट दिखाते भाई, देखो हम लोग क्या करके रखे हैं। इधर हम लोग पर्दा मार दिया ताकि इधर डस्ट ना आए, पूरा डस्ट है इधर, देखो भाई क्या सीन है यहाँ भाई साहब, पूरा फुट्टी का, वो फुट्टी का पूरा घिसाई कर रहे हैं तो जैसे स्मूथ होगा, इसके बाद इसके ऊपर प्राइमर मारेंगे वो। और बताओ भाई कैसे लग रहा है रूम? अच्छा सा, अभी टूर देंगे, अभी सब कुछ होने दो अच्छे से, उसके बाद सब दिखाएंगे, फिर बेड वेड लगेगा, उसके बाद एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन लाएंगे, क्योंकि हम पहले का रिकॉर्ड करके रखे हैं, जब पहले कैसा था देखे थे आप लोग टीना वाला, उसके बाद ये रूम कैसा चेंज हुआ है। सो जरूरी है भाई ट्रांजेक्शन करना। गेस्ट लोग आ चुके घर में, बैठ के बातचीत चल रहा है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। एंड अभी एक फैन भी आया गेस्ट में फैन भाई, समझ मिलाते हैं, रुको दिखाते हैं, ये रूम में बैठा है उसको अलग से। इधर मिलिए अली से। सरमार आप बोल, तब से इतना कुछ बोल रहा था सिर्फ, हर एक चीज़ बता दिया मेरे बारे में, हर एक चीज़ कुछ बोल दे भाई। सर मार रहा देख अब सर, हाँ आदत नहीं है बोलने का, तो अभी जैसे हमको पूरा था वैसे बता दे, जैसे सब बता रहा था कुछ बता दे थोड़ा मोड़ा। डेली ब्लॉग देखता है ना, और कबाब वाला ब्लॉग देख रहा था। तो इसका बड़ा भाई का शादी है किस इसी मंथ में ना, तो ये लोग आया इनवाइट करने के लिए, तो मे भी इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगा भाई आने का, देखते हैं अब जा पाते हैं कि नहीं। 24 या 25 को शादी है धनबाद में, तो देखते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं, तो इसीलिए लोग आया, फैमिली पूरा उधर बैठ के बातचीत कर रहा है। नाश्ता निकला जा रहा है भाई, जैसे कि देख सकते हैं मम्मी अभी बना रही है नाश्ता वो लोग को देने के लिए। एंड हम नहाएंगे अभी, हम नहाए वहाँ नहीं है भाई, हमको मिलना जुलना हो चुका, सब जा रहे हैं जा रहे हैं हम बस स्टैंड छोड़ने के लिए ये लोग को। चलो इस तो भी छोड़ दिए वो लोग को बस में, वो लोग चले गए। एंड भाई साहब बाहर बहुत तगड़ा वाला गर्मी है भाई, हालत ख़राब हो गया, 5 मिनट फिर खड़ा रहे बस स्टैंड में, पसीना पसीना पूरा फेस एंड टकला गर्म हो रहा है, घर जाके नहाएंगे सबसे पहले। तभी छोड़ गया वो लोग एंड मम्मी अभी फिर से बोलती है कि जा दही लेके आओ, तो हम उस टाइम गए थे, अगर उसी टाइम बोल देते तो एक ही बार लेके आते, बट नहीं हमको तो नहीं, मम्मी को तो मेरे को फिर से दौड़ाना था। सो अभी आए दही लेके आ रहे हैं एंड उसके बाद आके नहाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे। तो अभी दही लेके आ चुके हैं, नानी का एक होम रेमेडी बताई थी हमको, वो अभी हमको बनाना है दही एंड बेसन के साथ में, फिर उसको अप्लाई करना अपने स्काल्प में, क्योंकि मेरे स्काल्प में थोड़ा पिंपल हो गया है, तो नानी बोली कि उसको कुछ दिन तक अप्लाई करने हेड पे स्काल्प में, उसके बाद उसको नहा लेने एंड 10-15 दिन तक ऐसे ही करने, उसके बाद फिर एक बार टकला हो जाना, उसके बाद फिर सही रहेगा। थोड़ा पिंपल हो गया तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत टाइम से टकला वगैरह कुछ नहीं हुए थे, तो इसलिए वो हो गया था मेरा बहुत टाइम के बाद। तो वही नानी बोली कि एक बार ये करके देख, चीज़ बेनिफिट होगा, तो हम बोले ठीक है ट्राई करते हैं। तो वही हम दही लेके आ चुके हैं एंड अभी बेसन के साथ उसको फिर लगाएंगे। मम्मी को बोलते हैं बनाने के लिए उसको, एक मिनट तू कर, माँ बना दिए ना वाला बेसन के साथ में दही मिक्स करके, ओके। तो अभी ये लेप तैयार हो रहा है, लेप क्या बोलते हैं इसको, होम मेड रेमेडी, बेसन विद दही, इसके बाद ये जाएगा मेरा टकरा में। हम खाएंगे, पसीना हुए पड़ा है, हम खाएंगे नहीं इसको, हम सर में लगाएंगे तब ना आएगा। अच्छा हेयर ग्रोथ अच्छा चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा मेरी जान। तो आसिफ अभी मेरा अप्लाई कर देगा हेड में, तो आसिफ शुरू किया जाए, चलो डाइट डाल दे सर। हाँ डाइट सर में डालो, उसके बाद हाथ से मिक्स कर देना पूरा अच्छा से, आराम से आराम से आराम से घस दे, पूरा घस दो अच्छा से। ओहो बस नीचे तक मत ले जाना उसको, वहीं तक रखना,
अच्छा लग रहा अजीब टाइप का उधर मत ले कान तक पूरा अजीब लगता है मेरे को जिसे घिन आता है भाई बट करना पड़ रहा है क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे सब तरफ अप्लाई करो अच्छे से और ले ले मेहनती लड़का ठंडा ठंडा लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है सही है अभी नहाना होगा इसको मेरे को अप्लाई करने के बाद नहीं भाई तुम लगा ले गोरा हो जाएगा थोड़ा तो ये पेंट का काम चल रहा है जैसे कि देख सकते हो भाई फुल रोलर से मार रहे हैं वाइट वाला ये प्राइमर चल रहा है अभी ये एंड फुल सीलिंग कंप्लीट हो चुका है भाई बस अब लाइट लगना बाकी है यहाँ पे बस एक लाइट लगेगा और एक यहाँ पे फैन भी लग गया भाई फैन कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है एंड मेरे को देख लो मेरे को मेरा हालत देख रहा हूँ अभी जा रहे हैं नहाने के लिए अभी नहा के फ्रेश हो चुके हैं जा रहे हैं हम लोग अपना लंच करने के लिए एंड अंकल का भी काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है देख सकते हो भाई सब कुछ तो दिख ही नहीं रहा हो गया भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब काम कंप्लीट हो गया अभी अजीब अजीब दिख रहा है ये जब सूख जाएगा तब सही दिखेगा सो भी हम लोग करते हैं अपना लंच तो हम लोग का लंच कम्प्लीट हो चुका है एंड आज ये ना स्कूल गया ना ट्यूशन गया कहीं नहीं गया झूठ बोल रहा है एंड स्कूल नहीं गया पूरा दिन घर में सिर्फ गेम खेला फोन में और कुछ काम नहीं है इसका बस यही काम है सिर्फ इसका सो, अभी हम सोच रहे कि थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं एंड उसके बाद घूम के आने के बाद जाएंगे हम खेलने के लिए बैडमिंटन फ्रेंड लोगों के साथ अभी कॉल आया था बोला ऐसा ऐसा बात है चलो खेलने तो हम बोलते हैं हाँ भाई चलो चलो फ्री है वैसे भी चलो कुछ काम नहीं है तो चलते खेलने के लिए तो अभी आ रहे थोड़ा बाहर से घूम के उसके बाद जाएंगे खेलने के लिए बैडमिंटन मस्त वाला हवा चल रहा है भाई मस्त मस्त ठंडा हुआ समय अभी हुआ है बारिश बारिश हुआ है तो भाई साहब बहुत कोई आवाज़ दे रहा था हमको पहचान नहीं पाए कौन था खैर रहते सो अभी चलते हैं घर फ्रेंड का कॉल आ गया वो लोग बोला कि भाई आओ खेलने के लिए तो अभी घर चलते हैं शूज़ वूज पहनते हैं बैडमिंटन लेते फिर निकलते खेलने के लिए तो अभी जा रहे हम खेलने के लिए ले लिए अपना बैडमिंटन एंड ऑल सब कुछ अब चलते हैं खेलने के लिए फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है तो अभी कोठा चुके हैं क्या खोल दिए है देखो भाई प्रैक्टिस चलते उतरते ग्राउंड में फील्ड में उतरते ठीक लग रहा ना टकला हाँ टकला हो गया कुर्बानी दे दी अपना बाल का अभी कंप्लीट हो चुका खेलना एंड हालत देखो भाई स्वेटिंग देख रहे हो नेक्स्ट लेवल स्वेटिंग टी शर्ट देख रहे हो घर आ चुके हैं हमको शायद फिर से नहाना पड़ेगा भाई सुबह नहाए अभी थोड़ी देर पहले ही नहाए लंच करने से पहले एंड भाई साहब देखो हालत क्या हुआ समझ रहे हो ना पूरा फुल स्वेटिंग अभी टी शर्ट अगर निचोड़ेंगे तो भाई पूरा पसीना गिरेगा क्योंकि फ्रेश हो चुके हैं मम्मी लाइए कुछ खाने के लिए आराम से भाई आराम से हमको भी खाना है क्या बना है कौन चटपटा चिकन आप लोग तो आराम से खा रहे हो हमको भी खाना है एक तरफ ही सर मम्मी का फंटा मेरा कुछ मेरा स्टिंग होगा ना फ्रिज में मेरे को ये पीना है ना स्टिंग तो हम भी खाएंगे और स्टिंग भी पियेंगे भाई मेरा स्टिंग रखा हुआ फ्रिज में स्टॉक भाई अवेलेबल रहता है फ्रिज में फिर ये खत्म हो गया ये लास्ट था आ जाएगा फिर तीन चार लेके आ जाएंगे ऐसे तो अभी जस्ट सो के उठे भाई साहब शाम को जो खाए थे मम्मी दी उसके बाद में सो गए थे बेखबर सो गए थे कोई खबर ही नहीं था भाई टाइम देखो रात के टाइम 9:30 बज रहा है एंड इधर मेरे बगल में गेम खेल रही है इसी का फ़ोन का भी आवाज़ से हम उठे फिर हम बोले भाई हम ब्लॉग किया ही नहीं आज मतलब कुछ किया ही नहीं कुछ मन ही नहीं किया भाई करने का आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई भाई थोड़ा थक गए थे भाई इसलिए सो गए थे एंड अब तो और कुछ करेंगे नहीं अब डायरेक्ट डिनर करके सो जाएंगे फिर से बहुत ज़्यादा टायर्ड है समझ रहे हो भाई टायर्ड बहुत ज़्यादा है एंड और कुछ बोलने के लिए है नहीं क्या कुछ है बोलने के लिए कुछ नहीं ना, ना। तुम्हें कुछ बोलना है कहीं बात किया खुद से कर लो हाँ सोच के रखेगा क्यों नहीं वीडियो कब लाएगा कब कब कभी भी बताओ बताओ कल पर तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना कि Q&A वीडियो कब रखा जाए तो वैसे हम लोग Q&A वीडियो बनाएंगे सो अभी हम लोग अपना डिनर करेंगे फिर सो जाएंगे एडिट वेडिट करके फिर सो जाएंगे तो थोड़ा अप डाउन होता है भाई मैनेज कर लेना आप लोग अभी हम लोग डिनर निकल चुका है जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग अपना डिनर करेंगे एंड इसको देखो भाई पूरा दिन पार हो गया तो अभी पढ़ने बैठा है इधर टेंशन में क्यों है आसिफ इधर टेंशन में क्यों है कुछ मसला हुआ क्या हाँ कुछ बोल नहीं रहा क्या बात है कल का होमवर्क है कुछ ना एग्जाम है कल क्या एग्जाम है हाँ तो अभी पढ़ाई करने बैठा है ना हो गया वाह ऐसा रट्टा मारता है कैसा देख के एक बार रोबोट जैसा
खाने बैठो, खा के पढ़ लेना। तो अभी हम लोग करते हैं अपना वीडियो, डेयर कंप्लीट हो चुका है, करते हैं आज वीडियो में ही पेंट हो पाते। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।